हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता, फिर मन करता है अच्छा है एक नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा एक ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल करके योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि मुझे विश्वास है भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविंद ने व्यक्त किए। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, मेरी त्यागी तपस्वी ऋषियों मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है। और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द थे, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा, ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के सत्य शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घदृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का यह सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ सकता है। भाइयों बहनों, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं, मैं साफ मानता हूं भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े थे, तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी, कौन से शस्त्र हमारे पास थे,
एक गांधी थे, सरदार थे और लक्षावधि स्वतंत्र सेनानी थे और इतनी बड़ी सल्तनत थी और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया, हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है, क्यों ना हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कि योजना न बनाएं, हम मिलकर के लड़ाई लड़े, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है। यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया, मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा, मारने वाले का बचाने वाला? मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए, एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे हम, देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं ये देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है, ये विवेकानंद जी ने कहा था। ये नियति को पूर्ण करने के लिए ये भारत का जन्म हुआ है, ये हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को, मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे, इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा Well, there we have it. Narendra Modi's maiden speech as the Prime Minister on the occasion of Independence Day at the Red Fort in front of an audience of almost 10,000 people. For the first time ever, the Independence Day celebrations at the Red Fort were kept open for the public as well. In the past, that had not been the case due to security fears, but the Prime Minister there touching up on a spectrum of issues right from female feticide to computer education, to digital development, to the kind of punishment that rapists should have in the country, to the kind of security that the nation should get, to job creation, how the nation should work with its neighboring countries, a spectrum of issues that have been touched upon by Narendra Modi there. He went on to say that the government is doing all it can at this point in time to put the country back on track of development. Speaking about his own journey as the Prime Minister, he said that he had been an outsider to the national capital so far, but in the last 3 months he has had to get an insider's view and is the representative of Delhi now. During the speech, he also unveiled the Model Villages Yojana and also spoke about digital development. On many levels, Narendra Modi addressed crucial and basic issues that have been haunting the country for over six decades now. Even after attaining independence, basic issues such as female feticide, safety for women, jobs, basic infrastructure, basic amenities being provided to the poor have not been made available to the majority of the population. And hence Narendra Modi there going on to pitch the idea of development on an all new level. Modi went on to question all the parents, all the people in the society who think about killing the female child in the womb itself and challenge to the notion that is prevalent in the society that that sons take care of their families better than the daughters. सभी महानुभाव अभिनंदन के अधिकारी